रुख करेंगे खानकाह डोगरा का। खानकाह डोगरा में मुहर्रम उल हराम में अमन अमान और सिक्योरिटी के हवाले से अमन कमेटी के इजलास जारी हैं, जिसमें अमन कमेटी और तमाम अवकात में फिक्र के अफराद ने शिरकत की है। इस वक्त नुमाइंदा 7 न्यूज मुदस्सिर अली भट्टी वहां पर मौजूद हैं। अशरा मुहर्रम उल हराम में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर अली भट्टी, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम के शुरू होते ही सिक्योरिटी प्लान मरतब कर दिया गया। इस हवाले से अमन कमेटी का एक इजलास मरतब हुआ है, जिसमें DSP सदराबाद सुल्ताना जमील आजम अहमद की सदरबारी में यह इजलास मुलतक किया, जिसमें तमाम मकबर फिक्र ने शिरकत की है। और इस इजलास में यह फैसला किया गया कि जो किसी भी किस्म के जो उलमा कराम हैं, जो जाकरीन हैं, वो इंतशार प्लान की तकरीर करने वालों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, और जो इसको उलमा कराम या जाकरीन को बुलाएगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है वो मरतब लिया गया है, तो उसको जुलूस 10वीं मरहम का जो जुलूस होगा उसके साथ सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी बड़ी भारी तादाद में नफरी मौजूद होगी। और तो सिक्योरिटी के जो रस्ते हैं जो रूट के, वो भी इसके वो CCTV के कैमरे लफ्ज किए जाएंगे, उस हवाले से वो इसको मुकम्मल कर जाएंगे। इस हवाले से मेरे साथ ऐसा जो लतीफ़ गुजर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछे हैं कि 10वीं मरहम और मरहम हराम के हवाले से उनके सिक्योरिटी प्लान क्या मरतब किया है, और कितने ये नफरी के जो जवान हैं जो इसके जुलूस के साथ मौजूद होंगे, और ये क्या आनंद इससे सिक्योरिटी प्लान मरतब करें। जी सर, आप बताएँ कि ये सिक्योरिटी प्लान जो आपने मरतब किया है, कितने जो जवान हैं जो इसका आपके साथ मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सिक्योरिटी प्लान है DGO साहब शेखपुरा उधर से ये जारी हुआ है, ये तकरीबन 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मजालस और जुलूस का प्रोग्राम है, उसके हिसाब से हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं। इसके अलावा अमन कमेटी के लोगों को और जो यहाँ के अमन कमेटी के अलावा कोई लोग हैं उनको सबको शामिल किया है, मार्केट के लोगों को शामिल किया है। जब जुलूस होंगे तो ये रोड बिल्कुल ये ब्लॉक होंगे, ये दुकानें बंद होंगी, CCTV कैमरे हमने लगवा दिए हैं। इसके अलावा ये एरिया में सर्च ऑपरेशन भी किया है अमन कमेटी, और जो मजालस के बानी हैं उनको भी आगाह कर दिया है कि कोई जाकरीन कोई ऐसा कोई शारंगेजी या कोई ऐसा काम नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा वैसा हुआ तो वो जो बानी है मजलस होगा वो जुम्मेदार होगा। तो कितनी नफरी ये तैनात की जाएगी 10वीं मरहम के ये प्रोग्राम के मुताबिक हम नफरी जो है ना डिप्यूट करेंगे, जितना बड़ा जुलूस होगा उसके हिसाब से हम जो नफरी का अरेंज करते हैं उसके मुताबिक ही ड्यूटी लगाई जाती है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जुलूस के हवाले से जो बात की जाए तो जैसा जितना बड़ा जुलूस होगा, 1 मुहर्रम से यह शुरू हो गए हैं तो उस हवाले से ये इंतजाम जारी कर दिए हैं, और जितनी ज़्यादा नफरी है सिक्योरिटी प्लान है इनके साथ जो सिक्योरिटी जवान मतलब किए गए हैं, इस हवाले से जो किसी भी नाखुशगवार वाक निपटने के लिए पुलिस जवान हवा वक्त तमाम जुलूस और मजलास। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भट्टी, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे।